हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद रिचा। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट का पार्ट 4। इट इज़ अ यूनिट ऑफ द क्लास 12 एंड टुडे वी डिस्कस द टॉपिक स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विलिंग कंडक्टिविटी एंड द मोलर कंडक्टिविटी। इन लास्ट 3 वीडियोज वी डिस्कस द डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ दिस यूनिट्स, और इन सारी वीडियोस के जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको लिंक मिल जाएंगे। स्टूडेंट, जब भी आप वीडियोस को देखें अपने साथ नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठें, ताकि आप वीडियोस में से प्रॉपरली नोट्स बना पाएँ और आपका ईजीली काम जितना भी वर्क है नोट्स बनाने का वो थोड़ा सा ईजी हो जाए। स्टूडेंट, यूनिट सॉल्यूशंस के जितनी भी वीडियोस हैं, सारे लेक्चर्स जो हैं सारे सीरीज़ वाइज हैं, पूरी यूनिट फुल कवर्ड है अकॉर्डिंग टू CBSE पैटर्न। तो आप वो सारे जितने वीडियोस हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंड वन एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ डू शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। देखिए, आप सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं या आपके जो भी लगता है जिनको नीड है वो आप से आप उनको इसके बारे में सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड पार्ट 4, एंड टुडे टॉपिक इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इन लास्ट वीडियो आई ऑल्सो डिस्क्राइब द कंडक्टेंस, ओके, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ओके, विच डिनोटेड बाय के, और वी कॉल देम इट कप्पा। सो स्टार्ट विद द टॉपिक स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी? लेट्स डिस्कस। द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ओके, और कंडक्टिविटी, ओनली कंडक्टिविटी ऑल्सो कॉइंड इट्स, इसको सिर्फ कंडक्टिविटी भी हम बोल सकते हैं, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, स्पेसिफिक कंडक्शन, इट रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर के विच कॉल्ड कप्पा, एंड दस कप्पा इक्वल टू 1/ρ। इट इज द फॉर्मूला ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इफ आई एम सेइंग द रो इक्वल टू, तो कपा इक्वल टू 1/r रेजिस्टेंसिविटी एंड 1/A। ओके, सो इफ आई एम टेकिंग 1/r इक्वल टू सी, इफ आई एम टेकिंग 1/r इक्वल टू सी, देन के या और कपा इक्वल टू सी मल्टीप्लाई 1/A। यस, कम टू हेयर। ओके, लेट्स सी हियर। ओके, इफ
L is 1 centimeter. If the length of any, if L is 1 centimeter, then area equal to 1 centimeter square. So in that conditions, kappa equal to C. Okay. So from this derivation, we conclude that the specific conductance may be, yes, specific conductance, conductivity may be defined, as the conductance, of the conductor, whose length is 1 centimeter and area equal to 1 centimeter square. Okay, so what is the unit of its, the unit of kappa equal to ohm per ohm centimeter per ohm. Okay, so come to the now next topic. And now our next topic is equivalent conductivity. Or equivalent conduction. Okay, let's discuss it. Now, of the electrolyte solutions, of electrolytic solutions. Okay. And then we denote it with that sign it. So, what is this? Let's discuss. The equivalent conductivity or equivalent conductance, is the conducting power, power of all the ions furnished by one gram equivalent, 1 gram equivalent of an electrolytes. Electrolyte present in a definite volume of, present in definite
volume of the solution. Okay, so let's discuss. So equivalent conductivity is equal to kappa upon C equivalent. This is the formula. Okay, where C equal to concentration of the solution. Okay, now if I am taking concentration 1 gram, the concentration of solution is gram equivalent per unit volume. If one gram equivalent of an electrolyte dissolve in volume of equivalent as centimeter cube of solution. Okay, so in that condition concentration of solution equal to 1 upon volume gram equivalent centimeter minus cube. So then the equivalent conductivity equal to K and multiply V E Q. Okay, so this is the formula. Okay, if the we take a relationship between the relationship between, let's discuss fast, equivalent conductivity and normality. This is the one important thing, the relationship between equivalent conductivity and normality. Okay, so volume equal to 1000 upon n, okay, centimeter cube, and it is a equivalent conductivity equal to kappa multiply V volume equivalent. Let's come to here. So then, so what is the formula? So then equivalent conductivity equal to kappa multiply 1000 upon normality of solution. Okay, this is the main formula. Close into the bracket, and here it's a unit. Okay, so what is the unit? Of equivalent conductivity, it is equal to ohm per ohm centimeter square and equivalent here, or per equivalent, or as centimeter square and equation equivalent minus 1. Look at this. This is the unit of conductivity. Let's discuss fast, because video फिर बहुत लंबा हो जाता है. And the today last topic is molar conductivity. Molar conductivity.
ओके स्टूडेंट, अच्छे से देखते रहिए, फटाफट से सब्सक्राइब करते रहिए ताकि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स मिल सकें और हमें भी बहुत अच्छा सा मोटिवेशन मिलता है। आई होप सो आप सब ऐसा ज़रूर करेंगे। चलिए लेट स्टार्ट। मोलर कंडक्टिविटी वी डिनोटेड इट विथ दैट साइन। ओके, व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी? द कंडक्टिंग पावर, द कंडक्टिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ओके, कैन ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। आई एम नॉट राइटिंग हियर द मोलर कंडक्टेंस, इट इज यूजल, यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, और इफ आई एम राइटिंग अदर वर्ड्स, द मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिंग पावर इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस फर्निस्ड बाय वन मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन अ डेफिनेट वॉल्यूम। ओके, इन अ प्रेजेंट डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, मोलर कंडक्टिविटी इज अ कंडक्टिंग पावर। जितने भी आयंस होते हैं उसके वन मोल में जितने इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं उसको मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। एंड हेयर वी राउंड डाउन हेयर मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कपा अपॉन सी एम। वेयर इज द, इट इज द सी एम, व्हाट इज हेयर? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन मोल्स, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज द, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ओके, इफ सी एम इक्वल टू वन अपॉन वी वॉल्यूम मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, सो देन मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कपा मल्टीप्लाई वी एम। ओके, एंड इट्स यूनिट इज ओम पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पर मोल। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, स्टे वॉचिंग एंड कीप कनेक्टेड। बाय।